ये गोपीचंद भरतरी का किस्सा अंबा कैसेट द्वारा आप लोगों के सामने लाया गया है मास्टर सतवीर सिंह की आवाज में। किसी समय की बात है, ये धारा नगरी में गोपीचंद राज्य किया करते थे। उनके यहाँ 16 रानी और 12 कन्या थी। सबसे बड़ी रानी का नाम पाटन दे था। एक दिन की बात है कि दिन में प्रजा से निमट कर रात को जब राजा और रानी सोए हुए थे महलों में, तो रानी को सपना आता है और सुबह उठते ही रानी अपने पति को सपने का जिक्र करती है, सारी हालात बताती है। कैसे हालात? सपने के माँ मेरे पिया मने कान पड़ाए दिखाओ, फिर मांगता दीखी हाथ में जोड़ी खाए दिखाओ। सपने पे माँ मेरे पिया मन कान पड़ाए दी जाओ, तेरे मांगता ठीक हाथ में जोड़ी खाए दी क्या हो। सपने पे माँ मेरे पिया मन कान पड़ाए दी जाओ, तेरे मांगता ठीक हाथ में जोड़ी खाए दी हो, तेरे मांगता हो। ओए लाल रंग में रंगा दुसला देखा भगमा पाना, दूर आता नजर पड़ा माने देख के शक्ल पहचाना, सारी रोके ये गलम में गिट्टी करके मैं जंग ताना। सोला रानी मोस बैठा दी तेरे घर उतरिया थाना, खुले केस पड़े तेरे सर के, खुले केस पड़े तेरे सर के लटा बधाए दियाओ, तेरे मांगता भीख हाथ में जोड़ी खाए दियाओ। सपने के मां मेरे पिया मन कान पड़ाए दियाओ, तेरे मांगता भीख हाथ में जोड़ी खाए दियाओ, तेरे मांगता भीख हाथ में जोड़ी खाए दियाओ। कंद कंबर काला सपने के माँ मेरे पिया तने कोडरो पदिया चाला, मैं बोली तू जोग लेने का कति करे न काला, यूं बोलिया मैं भजन करूं मने ले राम की माला, ताज तार के दरिया तकते ताज तार के दरिया तकते मन तनक सजाए दियाओ, तेरे मांगता दीख हाथ में जोड़ी खाए दियाओ। सपने के मान मेरे पिया मन कान पड़ाए दियाओ, तेरे मांगता दीख हाथ में
अपने कैमा मेरे पिया किसा उल्टा रास्ता चढ़ गया। तुम कान पड़ा दिए साधु हो जा तू घर पे बार लकड़ी गया। गुरु को रखी नाथ फकीर के पाया के मकड़ी गया। आंख खुदी में बैठी होगी सारे खेल बिगड़ गया। रंग मेला में पटम देखे रंग मेला में पटम देखे मन लाग लगाए दिया। घर मांगता भीख हाथ में जोड़ी खाए दिया। सपने पे मां मेरे पिया मन कान पड़ाए दिया। सपने के माँ मेरे पिया जी जी लकड़ गया। धरती का कंग देखे पाड़ा देखा मने राजा चकारी वाली पीता। जय तू साधु ओ गया ते मेरा कौन है माँ की मरमरी का। जगन्नाथ ना गेरा पड़ता छाया धरती फैलती का। गोरे गोरे तन कयू परी गोरे गोरे तन कयू परी राख रमाए दिया। घरे मांगता ठीक हाथ में थोड़ी थाए दिया। सपने पे मां मेरे पिया मन कान पड़ाए दिया। घरे मांगता ठीक हाथ में थोड़ी जब सपने का हाल रानी पाटम जी ने अपने पति के सामने सुनाया तो गोपीचंद कहता है कि सपने तो सपने लागर सपने ताल जंजाल हो बेरा ने के दिख गया। सपने में कदे डर गया कदे इतना ठाडा हो गया कि जानू उसके तारे का कोई नहीं। ये सब झूठे होते हैं, सपने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गोपीचंद रानी पाटम जी को समझाता है कैसे बना। ए, के सपने की बात रात में जंजाल दिखाई दे जा। ओए सपने के मां मानस का जंजाल दिखाई दे जा। के सपने की बात रात में जंजाल दिखाई दे जा। सपने के मां मानस का कदे काल दिखाई दे जा। ये सपने की बात रात में जंजाल दिखाई दे जा। ओए सपने के मां मानस का कदे काल दिखाई दे जा। सपने के माँ साधु हो जा सैल करे जापन की। लगा समाधि करे तपस्या चानर है न धन की। सपने के माँ जा हो जाते चाई हो जा मन की। सोया मानस मरे बराबर सोची रहे नाचन की। सपने के मां
बड़ा खीर का सपने के माँ बड़ा खीर का अठार दिखाई दे जा सपने के माँ मानस का देखार दिखाई दे जा के सपने की बात रात में कंगार दिखाई दे जा मेरे सपने के माँ मानस का देखार दिखाई दे जा सपने के माँ क्या हो जाते सेम का कश्ती भरादा इस हाल हो जा मानस का जिया जाना मर्यादा सपने के माँ बना सवारी सात समुंदर चलादा सपने के माँ सारा रंग रंग सपने के माँ सारा रंग की धार दिखाई दे जा सपने के माँ मार सका कदे धार दिखाई दे जा सपने की बात रात में कंगार दिखाई दे जा मेरे सपने के माँ मार सका कदे धार दिखाई दे जा सपने के माँ कदे कदे मानस बन जा से पंचाती एक बड़ी आशा नले बछेरा बन के चले बराती समंदर थापा लावण आवे चोरी कर ले छाती नितर प्यारे कुटन कबीला रंग में गोती नाती सपने के माँ धन माया का सपने के माँ धन माया का बेटा खाल दिखाई दे जा मेरे सपने के माँ मानस का कदे खाल दिखाई दे जा हंस जा पैर फवारा में पहलवान हो कुश्ती जीते जाके ने तेरे खारा में बेर न के बीतेगी देखे भाग मारा में रंग मेला में सोया जा कद सोए जा गचवारा में जगन्नाथ जब आँख खुले जगन्नाथ जब आँख खुले वाहे गाल दिखाई दे जा सपने के माँ मानस का कदे गाल दिखाई दे जा ये सपने की बात रात में संदार दिखाई दे जा मेरे सपने के माँ मानस का कदे गाल दिखाई दे जा I'm
धर से कौन के भर्तरी अपने भाई विक्रमा को राज देखे और जंगल में चल पड़ता है। साधु का बाना बना के जब वो घूमता फिरता अपनी बहन मैनावंती के दरवाजे पर जाकर आलख जगाता है, लेकिन मैनावंती अपने भाई को पहचान लेती है। भगमा बाणे को देख के आपस में बाण भाई सवाल जवाब करते हैं। वह कहती है, रे कौन सी मुसीबत थी जो तने जोग ले लिया? भर्तरी कहता है कि बेबे ये मेरे मन की बात है, मैंने अपने मन से किया है। दोनों की वार्तालाप होती है। कैसे राजपाट दिया छोड़ भर्तरी, ए राजपाट दिया छोड़ भर्तरी, कान पड़ा लिए भाई, ये दूर पदार्थ करे दुनिया के अर मैं सुरती लाई, राजपाट दिया छोड़ भर्तरी, कान पड़ा लिए भाई, दूर पदार्थ करे दुनिया के अर मैं सुरती लाई, राजपाट दिया छोड़ भर्तरी, कान पड़ा लिए भाई, दूर पदार्थ करे दुनिया के अर मैं सुरती लाई। दुश्मन ते कोई लड़ाई, के दुश्मन ते कोई लड़ाई, तू पीठ फेर के बजा ना, कोई दुश्मन बेरी मेरा ना किसे तना, भीख मांगता अरे जगत में तू छत्र धारी राजा, राज पाटी और कर कुण बे में मन को न्या राख्या साधा, राजपाट और कर कुण बे में को न्या राख्या साधा, राजपाट तजरिये की, राजपाट तजरिये की, क्यों कर मन में आई अप अपना मन उस मने कर ली मन की ताई, राजपाट कटिया छोड़ भर्तरी, कान पड़ा लिए भाई, दूर पदार्थ कर दुनिया के अर मैं सुरती लाई, किसी मोटी आई करती के दुनिया में गाई जा, किसी अमर कहानी करती, कर्म भाई रोएगा दुखी पंगला राई करती, दुखी करी ना उस कंगला की मन अकल शानी करेगी, दुखी करी ना उस कंगला की मन अकल शानी करेगी, अरे मैं मर जाएगी सुन सुन के, मैं मर जाएगी सुन सुन के, ये तने लोग लगाई कान्ना पर के ताले गए इसमें तेरी भलाई, राजपाट दिया छोड़ भर्तरी, तेरे कान पड़ा लिए भाई, दूर पदार्थ कर
राजपाट का हाथ छोड़ी, राजपाट का हाथ छोड़ी, करिया जंगल के मां डेरा, सतगुरु वाणी से तस ज्ञान का दीपक ओ जदूर अंधेरा, कौन भरेगा बात भाइयो तिहर बिगड़ गया मेरा, बात भरेगा जकर में भाई माँ का जाया तेरा, बात भरेगा जकर में भाई माँ का जाया तेरा, ओए मौके पे ना आया तेरे मौके पे ना आया, अरे हो जा दो हसाई मेरे बस की बात नहीं, बीतेगी कर्म लिखाई, राजपाट किया छोड़ भरतरी कान पड़ाई भाई, दूर पधार कर लिया के हर मैं सुन पिलाई, कितना दिल का देखा मरू नहीं मैं अमर हो लिया सारा बड़ी गया पेटा, जब मरे नहीं तो अमर करा दे गोपी तन मेरा बेटा, एक लाल से अपने हाथा मत बने कुर्की बेटा, एक लाल से अपने हाथा मत बने कुर्की बेटा, वैसे हो जाते काल काल की, वैसे हो जाते काल काल की, इसी हो तेरे पास दवाई कहे लक्ष्मी चंद सतगुरु जी ने जागी सलाह मिलाई, राजपाट किया छोड़ भरतरी कान पड़ा लिए भाई, दूर पधारत कर दुनिया के हर मैं सुन पिलाई, राजपाट किया छोड़ भरतरी कान पड़ा लिए भाई, दूर पधारत कर दुनिया के हर मैं सुन पिलाई। तो अब भरतरी अपनी बहन को समझा के और भक्ति में मन लगा लेता है और ये बात कह के भरतरी चला जाता है। अब गोपी चंद की माँ सुबह छज्जे के ऊपर खड़ी और नीचे गोपी चंद अपना पाटड़ा बिछा के नहाने की तैयारी करता है, तो ऊपर से एक बूंद गोपी चंद की कमर पर लगती है तो गोपी चंद एकदम चौर भोर हो जाता है और उसकी माँ मन मन में विचार करती है कि कैसे वाला, बेटे गोपी चंद की नजर पड़ी तस्वीर, जननी रो समय कला तेरे कृष्ण कन्हाई, कला तेरे कृष्ण कन्हाई, जिसने गऊ चराई गऊ चराई नंद की
ही तजे के काए केसरी जमनी रोश में पर की आते बेकूफ चमके सूरज केसी धूप ओ चमके सूरज केसी रूप मिठाई रूप मिठाई कंद की दो दिन की तासीर जननी ओ समय रहनी नया बात बनी रहनी नया बात बनी अली फांसी जो दिया फांसी जो दिया ठंड की देखे सांप फकीर बेटे ने देख के नक्शा करे बेटे ने देख के नक्शा करे करे जाने बचे ए जाने बचे परी जिंदगी जब मरण दी काय भी जननी समय से आंसू पड़ता है और वो गोपीचंद की कमर में लगया और गोपीचंद ने देखा कि या भाई को बादल नहीं और कोई बात नहीं या बूंद कहां से आई है। तो गोपीचंद ने ऊपर लखा के देखा तो उसकी माँ रोए है। तो जाकर आपस में बात करते हैं कैसे बना। ओए गोपीचंद होया प्यारे नान में चौकी तुरत बिछाई अट्ठा बादली नायंबर में बूंद करे ते आई गोपी चन होया हत्यार नान ने बादली नायंबर में या बूंद करे तैयारी गोपी चंदी बादली नायंबर में बूंद करे तैयारी
ठोकर देने देख लिया कुछ नहीं समझ में आया। बिन बादल बरसात करे ईश्वर तेरी माया। एकदम किसा अचंबा हो गया मेरी कांपन लगी काया। बंद करा स्नान उठ के चारों तरफ लखाया, चारों तरफ लखाया। छज्जे ऊपर नजर गई उड़े रोवठी जननी माई। पता बादरी नायंबर में बूंद करे तैयारी। जाके बुझने लगा खोल बता मसारी। इतना दुख क्यों मान रही तेरे किसने बोली मारी। कौन सी रानी लड़ी तेरे में साच बता महतारी। एक मिनट में दूर करूं ओए डरते गर्दन न्यारी, डरते गर्दन न्यारी। ओया हाल के हाल तेरा, ओया हाल के हाल तेरा। तू किसने आन सताई। पता बादली नायंबर में बूंद करे प्यारी। गोटी चल होया में देख के आंसू मेरी छाती में घास है। पली बुरी करने आए का अपने में सर कैसे। उस मानस का के जीना हो जिसकी दुखिया मास है। जीवन में चाहे जीगा पर जीवन का के रास है, जीवन का के रास है। गोपी चंद, गोपी चंद लाजला बेटा मा कर ले तेरी सुनाई। काटा बादरी नायंबर में ये बूंद करे तैयारी। रतने के गहरी व्यक्त पड़ी से तेरे नाम ते आंसू पर के जल के सी लगी जड़ी से। मुंह ते बोल लकड़ता ना तेरी कौन सी चीज हरी से। नजर उठा के देखने लगा मेरी जननी माँ खरी से, मेरी जननी माँ खरी। जगन्नाथ के जगन्नाथ के तो पीतल में नीची नार झोंकाई।
ठंडा बादली नायंबर में कूद करे तराई तो गोपीचंद अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है माँ क्या बात है किससे रानी ने तेरे को कुछ कह दिया हो किससे या दासी दास ने कह दिया हो बांदी ने कह दिया हो तो मेरे आगे बात के ना फिर रोना क्यों रोने का कारण क्या है तो गोपीचंद अपनी माँ से पूछता है कैसे बोला नाते जल जारी क्यों से के आ गया मां ख्याल तने ओए नान छोड़ के बुझने आया गोपी चल दलाल तने नाते जल जारी क्यों से के आ गया मां ख्याल तने तन में कली साची साच बता दे माता तेरे मुंह का थूक सूखता आवे तेरे की जड़ी की नाली सबक सबक तन में ठाली सबक सबक तन में ठाली सो सो मन की दौलत में नाना छोड़ गए पूछने गोपी चल तेरा नाते नाते चल जारी को से तेरी के राजा माल तन तेरी नाना छोड़ गए पूछने गोपी चल तेरा गोपीचंद से कहती कि बेटा किसी दासी ने मुझे कुछ नहीं कहा और रानी तो मेरी बहुत ज्यादा सेवा करती है रानी की तो बात ही क्या है लेकिन मेरे तो और कहीं चाहती है क्या कहती सुन गोपी चंद तेरे बाप की थी तेरे केसी काया अरे सुन गोपी चंद तेरे बाप की तेरे केसी काया ईशा चला गया धरती पर ते उल्टा फिर ना आया तेरे बाप की तरिया माया तेरे बाप की तरिया माया रखा जा गायो काल में नाना छोड़ के पूछने आया गोपी तन तेरा लाल तन नाते तन तारी को तेरे के राजा माल तन नाना छोड़ के पूछने आया गोपी तन तेरा लाल तन गोपी तन तेरा लाल तन का ना फैसला सही करेगा आपस का वो चल लोटी का ना फैसला सही करेगा
सका। ओए दुनिया के माँ देखती रहे से सब की वो नस नस का, मरना जीना किसके बस का, मरना जीना किसके बस का, योग्य प्रयास वाले तने नाना छोरे के पूछने आया गोपी चंद के लाल तने लेना ते चल जाई कुरे तेरी के आजा माता लतने नाना छोरे के पूछने आया गोपी चंद के लाल तने ओए लखनी चन सतगुरु के संग में नगरी में लारा लखनी चंद्र सतगुरु के संग में नगरी में लाया काया अमरी ओज तेरी नो मेरा मन सारा तेरा भरतरी मामा आया तेरा भरतरी मामा आया अमर करा तू काल तने नाना छोड़ के पूछने आया गोपी चल तेरा लाल तने जब ये बात दोनों माँ बेटा की आपस में होते हैं तो गोपीचंद की माँ कहने लगी कि बेटा तेरे बाप का शरीर भी सोने की तिया चमक्या करता था लेकिन वो भी नहीं रहा, इस मिट्टी में मैं लगा करे तेरी भी वो हालत हो जा। तो कहना है कि माँ सब ने मरना है या की बात हुई कि बेटा चाल तेरा मामा भरतरी आ रहा है तो मैं अमर करा दूं। ये बात सुन के गोपीचंद न्यूकन लाया री माँ जो आया है इस पृथ्वी वो जरूर जागा, कौन अमर होगा कौन रहेगा सब ने जाना है, क्यों मेरा नाश करे। तो वो गोपीचंद अपनी माँ को समझाता है कैसे। मेरी मातरानी दे मेरी मातरानी दे मचनार जो दे जवावे मेरी मातृ
ਸਕਣਾ ਗੋਬੇ ਦਵਾ ਰਾਜ ਮੁਕਦਮਾ ਪੁਛਾਣਨਾ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਗ ਮੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਗ ਮੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਮਨ ਮਤੀ ਚੂਰੀ ਜਾਣੇ ਦੇ ਤੋਰੇ ਬਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਰਾਣ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਰਾਣ ਦੇ ਮਤਨਾ ਕਰ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਓਏ ਗਏ ਮੇਰਾ ਚੋਕਰ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਮੇਰੀ ਓੜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਮੇਰੀ ਓੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਵੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਕੁੱਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠ ਇਨ ਮਿੰਦਰ ਮਹਿਲ ਤੋਬਾਰਾ ਬਾਰ ਕੁੱਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠ ਇਨ ਮਿੰਦਰ ਮਹਿਲ ਤੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਰੀ ਮਨੇ ਨੋਏ ਗਾਣ ਦੇ ਨਾਥ ਸਮਝਾ
क्यों खोए हिन बातन। आज से ठाट कर रहे बहुत बढ़िया राज चल रहा, कोई कुछ कह नहीं सकता, और तू क्यों बिगाड़ रहे इन बातन। कि बेटा मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानू, मैं तने जोग जवाना चाहती हूँ, ये मेरी मन की इच्छा है। अरे माँ फिर रोएगी तू, देख ये 16 रानी 12 कन्या किसके भरोसे रहेंगी, क्यों नाश करे। तो गोपीचंद फिर समझाता है और क्या कहता है, एरी पने बनाए खेलने मां आप खोएगी, एक लाल से मातारी पाछे ते रोएगी, तेरी बने बना खेल में माया पे खोएगी, एक लाल से मातारी पाछे ते रोएगी, तेरी बने बना खेल में माया पे खोएगी, एक लाल से मातारी बत्तू बोली फिर से ज्ञान ने, और ठीक ठिकाने तू राख ध्यान ने, ठीक ठिकाने तू राख ध्यान ने, तेरी गोपी चन की शान ने, तेरी गोपी चन की शान ने मैं कित ते कोवेगी, एक लाल से मातारी पाछे ते रोवेगी, तेरी बने बनाए खेल में माया पे खोएगी, एक लाल से मातारी पाछे ते रोवेगी, एक लाल से मातारी पाछे ते रोवेगी। मेरे दिमाग में ऐसा था कि माँ या उपज तेरे दिमाग की नहीं है, कोई बहका गया कि नहीं बहका का कोई निगाह बिल्कुल मेरे दिमाग की ऊपर। जब तेरा शरीर देखा मेरे ध्यान आए कि मेरे पति का भी ऐसा शरीर था और मेरे बेटे का भी ऐसा, यू भी ना रहे कि ना फिर रोएगी, देखिए कि ये होगा। तेरी नमक मरच क्यों गेरे गा में, आज तू किस बैरी के दामे, और आज तू किस बैरी के दामे, ओए लागे सूल तेरे पामे, ओए लागे सूल तेरे पामे, ओए कच्चे बोवेगी, एक लाल से मातारी पाछे ते रोवेगी, तेरी बने बनाए खेल में माया पे खोवेगी, और माँ मुझे पूर्ण ज्ञान है माता की ममता बहुत ज्यादा होती, मैं इस बात को जानता हूँ, ई मत न दिखू हूँ, और जब मैं तेरी नजरों से ओझल हूंगा दूर हूंगा तू सोचते कभी भी नहीं सो सकती, तेरे को नींद नहीं आ सकती, और तू बैठ के अकेली रोएगी, और मेरे बिना ये रानी भी तेरी सेवा नहीं करती, ये भी सेवा मेरी दाम में करते हैं, तो किस भूल में है। तेरी क्यों देश पर जगन में आवे ख्याल भतेरे मन में, वो आवे ख्याल भतेरे मन में, तेरी लगाई चटी तेरे तन में, तेरी लगाई चटी तेरे तन में, ना सुख ते सोवेगी, एक लाल से मातारी पाछे ते रोवेगी, तेरी बने बनाए खेल में माया पे खोवेगी, एक लाल से मातारी पाछे ते रोवेगी, एक लाल से मातारी पाछे ते रोवेगी। और मैं तेरे को ये बता दूं, जब इंसान के पास अपना धन हो, किए हुए कर्म का मिला हो, और उसको जान पूछ कर लौटा देते हैं, वे मूर्ख होते हैं।
परमात्मा ने धन दिया हो उसको ठीक ढंग से नहीं लगाएगा तो उनकी कोई कदर नहीं होती। माँ मैं तेरे को ये कहता हूँ कि तू अपने आप थोड़े चलरी है, इसमें और किसी का दोष नहीं है। और तू मेरी बात को मानती नहीं, मैं बार बार तेरे को समझाने लग रहा, अरे क्या करेगी मेरे बगैर, वंश खत्म हो जाएगा। बता क्यारा, जिनके वंश खत्म हो जाते हैं वो संसार में ऐसे ही आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं, उनका क्या रह जाता है। ओए लक्ष्मी चंद धर्म का गाना क्यों खोवे शरी थोड़ी थकाना, क्यों खोवे शरी थोड़े थकाना, ओ शरी अपना और बोझ बनाना, ओ शरी अपना और बोझ बनाना, मां मर मर रोवे एक लाल से मां तारी पाछे ते रोवेगी, शरी बने बनाए केवल ने माया पे खोवेगी, लेकिन